मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर, देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बालिक से नाबालिग ने किया बलात्कार, जरीपटका में नाबालिग से एक नाबालिग लड़के ने ही बलात्कार किया, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी 16 वर्षीय किशोर बंदी बनाया है। 13 वर्षीय पीड़िता से आरोपी लड़के की एक साल से पहचान है, दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए थे। इसकी आड़ में 12 अप्रैल से किशोर नाबालिग बालिका का यौन शोषण कर रहा था। पीड़िता की मां ने जरीपटका थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बलात्कार तथा नाबालिग का यौन अपराध से संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे बंदी बना लिया। दोनों ही गरीब तबके के हैं। रेत के टिप्पर ने दंपत्ति को रौंदा, तेज रफ्तार टिप्पर की चपेट में आने से बाइक सवार दंपत्ति की मौत हो गई। मृतकों में विजय झनकलाल यादव और नीलू विजय यादव का समावेश है। यह हादसा नागपुर भंडारा हाईवे पर मौदा थाना अंतर्गत गुमथला परिसर में शुक्रवार की सुबह 9 बजे हुआ। यादव दंपत्ति को 5 साल की बेटी माही है, नीलू 8 माह की गर्भवती थी। नियमित चिकित्सा जांच के लिए विजय पत्नी को लेकर बाइक पर नागपुर जा रहा था। रेत लदे टिपर क्रमांक 40AK4080 का बाइक को धक्का लग गया। संतुलन बिगड़ जाने से नीलू नीचे गिर पड़ी। टिपर के पहिए के नीचे आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। विजय गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस को जानकारी मिलते ही विजय को नागपुर के मेयो अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। थानेदार मधुकर गीते मामले की जांच कर रहे हैं। मासूम माही के सिर से उठा माता पिता का साया। विजय और नीलू की बेटी माही गुमथला के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। नागपुर रवाना होने से पहले विजय उसे कॉन्वेंट स्कूल छोड़कर आया था। यादव दंपति का नागपुर जिले में कोई रिश्तेदार नहीं है। अगवा करके एसटी चालक की धुनाई, टैक्सी चालक ने टक्कर लग जाने से आहत होकर एसटी को हानि पहुंचाकर चालक से मारपीट की। आरोपी द्वारा बस चालक को जबरन कार में बिठाकर अगवा किए जाने से खलबली मची। यह घटना एसटी स्टैंड के सामने हुई। गणेशपेट पुलिस ने आरोपी टैक्सी चालक घोराड़ कर्मेश्वर निवासी अंकुश कातेश्वर तागड़े को गिरफ्तार किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को फेसबुक पर भी देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। यूट्यूब पर इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।